सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, ट्रेलर को बहुत प्यार मिला, क्या कहना चाहोगे? बहुत ठीक भी रहा है, आप वो बुकिंग पे उसका असर देख सकते हो, पूरा का पूरा 1200 स्क्रीन में से 1000 से ऊपर पूरा सोल्ड आउट जा चुका है पहले दिन में, कल से रिलीज है, तो इतना बढ़िया लग रहा है, मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 स्क्रीन पर अपनी पिक्चर रिलीज करी थी, अभी के बाद 1000 से ऊपर का स्क्रीन जा रहा है, तो इतना बढ़िया बस। क्या कहना चाहोगे, आपकी कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, लव स्टोरी है, रोमांस है, क्या है? अभी नाम के हिसाब से प्रेम है, लेकिन वो एक वॉरियर भी है, तो वो अभी प्रेम का डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से देने वाला है, जैसे कि प्रेम का मतलब होता है प्यार पाना, अपने अपना प्यार इजहार करना, लेकिन इसमें ना लव इज गिविंग एंड फॉरगिविंग, इस सेंस में प्यार का मतलब सैक्रिफाइस भी होता है, अगर आपको दो ऑप्शंस में से चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करोगे, दोनों को आप प्यार करते हो ना, तो उस हिसाब से एक सैक्रिफाइस की सेंस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप लोगों ने अलग अलग जगह में जाके प्रमोशन किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे देश भर में आप जाके प्रमोशन? कभी सोचा नहीं था कि मैं कोलकाता, देहरादून, इवन दिल्ली, मुंबई भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, कभी कभार सिक्किम, दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्ट में तो गए हुए थे, लेकिन पहली बार कोलकाता, देहरादून, मुंबई, दिल्ली, इस जगह पर इतना ज़्यादा प्यार मिला। अभी आप देख सकते हो चेन्नई में हाउसफुल जा रहा है, बैंगलोर हाउसफुल जा रहा है, तो गुजरात हाउसफुल जा रहा है, तो अभी हम थिएटर विजिट भी करने के प्लान कर रहे हैं, कल से देखते हैं। फैंस जब आप मिले होंगे, किस तरह का मेमोरेबल था आपको, मतलब कोई ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट था जो अगर आप शेयर करना चाहें? जी वैसे तो मैं उनको फैंस कहना नहीं पसंद करता, मैं उनको फ्रेंड्स कहना पसंद करता हूँ, ताकि मैं कुछ भी कभी भी कोई मिस्टेक्स भी करूँ अनोइंगली ऑन इंटेंशनली, तो भी अपने दोस्त माफ़ कर ही देंगे, तो अब के मैं मेरे दोस्त जितने भी हैं, जितने भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं मेरे दोस्त, उन सबको मैं अपने तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ यादगार इंसिडेंट्स कहूँ तो रिसेंटली हम देहरादून में एक प्रमोशन में गए थे, तो उस वक्त दिल्ली से एक पूरा गैंग, मतलब मेरे 4-5 भाई आए थे उधर मिलने के लिए, दिल्ली से बस हमसे मिलने के लिए, वो पूरा इंडियन ऑडियंस थे, वो होटल पे फॉलो करके उन्होंने आके पिक्चर ली, तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशी मिली। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, क्या कहना चाहोगे उसके लेके? एज एन एक्ट्रेस दिस इज़ हर डेब्यू पिक्चर, सो लेकिन उसने काम बहुत मैच्योरिटी के हिसाब से की है और बहुत सिंसियरली डेडिकेटेडली की है, और मैं भी अपनी तरफ से 100% डेडिकेटेडली 100% मैंने दिया है फिल्म के ऊपर, तो मेरे ख्याल से वो हार्ड वर्क दिख रही है, तो जाके तब जाके वो केमिस्ट्री भी नज़र आ रही है शायद। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये फिल्म तो कल रिलीज होने जा रही है, तो कितने नर्वस हैं आप थोड़ा? मैं ज़्यादा फोकस काम करते वक्त देना पसंद करता हूँ, अभी काम तो हमने हमारे तरफ से 100% कर दिए, तो अभी ऑडियंस के पास है, मैं होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयार रहता हूँ, लेकिन जिस तरीके का मॉर्निंग शो द डे बोलते हैं ना, अभी जिस तरीके का बुकिंग मिला है और जिस तरीके का स्पेशल शो प्रीमियर का फीडबैक मिला है, उस हिसाब से तो इसका ग्रोथ ही दिख रहा है, बस अभी कितना टाइम तक जाएगी आगे ये सोचना है, ये रुकने वाली तो नहीं इतनी ईजिली। ओके, आखिरी सवाल, पवनदीप ने ये फिल्म को प्रमोट बहुत सारा किया है, पवनदीप के बारे में आप कह रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सिंगर है और उनकी आवाज़ और उनके फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी लेवल में। पवनदीप बेसिकली इतना हम्बल पर्सन है, वो इतना इनोसेंट है, वो इतना टैलेंटेड भी है, हम कोलकाता जा रहे थे तो बंगाली में गाना गाया, असम पे थे तो असमी गाना गा दिया, देहरादून पे पहाड़ी गाना गा दिया, तो इतना टैलेंटेड है, इंस्ट्रूमेंट तो बता नहीं थे, इतने ज़्यादा नॉलेज है उनको पता नहीं था, और इतना केयरिंग है ना, हम तो नेपाल से आए तो हमें वो बहुत केयर करते थे कि आप कैसे जा रहे हो, क्या है मैनेजमेंट, तो सब वो अपडेट देते थे। तो आप दोनों की बातचीत हुई, कितनी बातचीत हुई? हम तो साथ में ही चलते ना, वो चलते थे, वो इतना ज़्यादा केयर करते थे कि भीड़ भाड़ में कहीं खेलन खेलना हो तो वो अपनी सिक्योरिटी को भी हमारी तरफ लगा देते थे, होटल पर भी बात ही होती थी, लॉबी में बैठ के बातें करते थे, बहुत बढ़िया लगा। ओके, ऐसी कोई बातें डिनर करते हुए, लंच करते हुए, कोई या उनकी आपकी फेवरेट डिशेज हो या उनकी फेवरेट डिशेज कुछ अगर आप बता सके? हाँ, उनका एक आदत मुझे अच्छी लगी, वो कहीं पे भी सो जाते हैं और कहीं से भी उठ के चल जाते हैं, क्योंकि वो इतना रश पे काम करते हैं ना, सुबह कहीं जगह पे, दोपहर को कहीं पे, रात को कहीं पे, तो उनसे मुझे वो सीखने का मिला कि हाँ कितना एक्टिव है, कभी भी रेडी है वो, उनको उनका प्रेफरेंस नहीं है, रेस्ट से ऊपर वो अपने काम को दे रहे हैं, तो मुझे वो बहुत सीखने को मिला उनसे। ओके, आखिर में आप अपने फैन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कल
आखिर आप अपने फैंस को ये फिल्म देने वाले, दर्शकों को देने वाले क्या कहना चाहेंगे? वन सेकंड, मैं आई वांट टू रिपीट दैट आई वुड प्रेफर कॉलिंग देम फ्रेंड्स, बिकॉज मेरे दोस्तों में अच्छे काम करो तो तारीफ करेंगे, कुछ गलती मिस्टेक अनोइंगली अनइंटेंशनली करो तो माफ भी कर देते, तो आप भी एज अ दोस्त मुझसे कुछ गलती भी हुई हो तो माफ कर देना, तुम देख लेना और अपना फीडबैक दे देना, सो दैट अपनी अगली बार में और मेहनत कर पाऊँ और अपनी कमजोरी अपनी गलतियों को रिकवर करते हुए मतलब कवर करके और बेहतरीन काम कर पाऊँ, और हम दोनों की अपनी रिलेशन बायलैटरल रिलेशन जो जिन जगह से हम बिलोंग करते हैं वो और स्ट्रेंथन हो और एक दूसरे को समझने में आसानी हो, वही है। आप सबको इन्विटेशन है फिल्म देखने के लिए कल से थिएटर पे। थैंक यू।